टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है उनकी स्मॉल एसयूवी S2X, जिसको काफ़ी बार टेस्टिंग करते हुए देखा भी गया है पुणे में, जो उनके प्लांट है उसके आसपास। और इसकी लॉन्चिंग शायद 2020 के फेस्टिव सीजन में हो जाए, यानी कि दिवाली के आसपास इसकी लॉन्चिंग जो है वो इंडियन कार मार्केट में हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे टाटा की स्मॉल एसयूवी S2X के बारे में, जो कि हमें अभी ऑटो एक्सपो में दिखने वाली है उसकी एक कॉन्सेप्ट वर्जन। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं इसकी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। तो ये बनी हुई आएगी हमारी टाटा इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज में। उसी के साथ साथ इसकी प्लेटफॉर्म जो है वो अल्फ़ा प्लेटफॉर्म रहेगी। अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पे बनी हुई टाटा की पहली गाड़ी है टाटा ऑल्ट्रोज, जो कि हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुई है। और दूसरी गाड़ी रहेगी टाटा की S2X। अब हम अगर बात करते हैं अल्फ़ा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वेराइटी देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ बॉडी स्टाइल। तो यहाँ पे इसकी बॉडी स्टाइलिंग जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हमें देखने को मिलेगी, और काफ़ी सारे डिज़ाइन लैंग्वेजेस या फिर डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो टाटा हैरियर से बोरो हो सकती हैं। टाटा मोटर्स बोरो करके टाटा स्ट्रिक्स में हमें दिखा सकती हैं हैरियर के कुछ डिज़ाइंस। अब हम चलते हैं इसके एक्सटीरियर्स के ऊपर। तो सबसे हाईलाइटर इसके एक्सटीरियर्स में रहेगी इसके हॉनीकॉम ग्रिल, ड्यूल चैम्बर्ड हेडलैम्प्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स। जो इसकी व्हील आर्चेज रहेगी वो भी मस्कुलर स्क्वायर टाइप रहेगी, जो देखने में काफ़ी मस्कुलर हमें मिलेगी। साथ ही साथ इसकी विंडो लाइन भी थोड़ी राइज यानी कि थोड़ी हाइट में रहेगी। और इसी के साथ साथ स्लोपिंग रूफ लाइन, रियर वाइपर और इसकी जो टेल लैंप्स रहेगी वो बिल्कुल एज तक फैली हुई होगी। साथ ही साथ इसके इंटीरियर्स के ऊपर कोई डिटेल्स आई नहीं है, फिर भी आप मान के चलिए इसकी इंटीरियर्स भी हमें बेहतरीन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि टाटा मोटर्स की ये गाड़ी रहेगी तो यहाँ पर कम्फर्ट तो हमें काफ़ी अच्छी खासी मिल ही जाएगी। और इसके इंटीरियर्स में काफ़ी फीचर्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं। अब हम चलते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो सेफ्टी फीचर्स में रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ साथ ABS विद EBD, रियर डिफॉगर, ऑटो डिमिंग IRVMs, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर मानी जाती हैं। साथ ही साथ टाटा S2X में हमें इलेक्ट्रिक पावर्ड स्टीयरिंग व्हील के साथ वहीं पे स्टीयरिंग में होते काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम अभी चलते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोई डीजल इंजन प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी टाटा मोटर्स की तरफ से, क्योंकि VS6 कॉम्प्लाइंस जो डीजल इंजन रहती हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, और इस रेंज की गाड़ी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा महंगी साबित होगी। तो इस वजह से यहाँ पे कोई डीजल इंजन आपको टाटा मोटर्स प्रोवाइड नहीं करवाएगी। हालाँकि यहाँ पे आपको 1.2 लीटर वाली VS6 पेट्रोल इंजन मिलेगी, जो कि टिगोर और टियागो में भी यूज़ होती है, और वो पावर प्रोड्यूस करती है 85 PS की और 140 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क। वहाँ पे 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT हमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसके राइवल्स के और अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे एस्प्रेसो और KV1W जैसी छोटी छोटी SUV हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसकी प्राइसिंग की भी आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, तो इसकी प्राइसिंग भी तकरीबन 5 लाख होनी चाहिए। तो इसके ऊपर इतनी ही अभी तक डिटेल्स आई हुई हैं या फिर काफ़ी वेबसाइट्स पे ही अभी तक अवेलेबल है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज के जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हमारे चैनल पर ऑटोमोबाइल जरूरी हाँ अपडेट